नमस्कार, यू सर के इस विज्ञान स्टूडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम जूलॉजी की क्लास में, हमारे बीच में प्रोफेसर आशीष थपलियाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि ग्रैफिगेरा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और जिनको कि कई साल से इस अध्यापन का, टीचिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और वो आज आप लोगों को सेल बायोलॉजी, जो कि हमारे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मानव शरीर है कई तरह की सेल से मिलकर बना होता है और हर पार्ट में, हमारे हर पार्ट में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं और इन सेल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से ये काम करती है हमारे शरीर में, वो हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाएंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग उनके इस लेक्चर का पूरा फायदा उठाएंगे। मैं प्रोफेसर थपलियाल जी आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो में आने के लिए निकाला। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सेल बायोलॉजी के लेक्चर से आप ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर सुंदरिया जी। आज हम सेल बायोलॉजी की बेसिक के बारे में बात करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि सेल बायोलॉजी जो एक विषय है, ये विषय धीरे धीरे अब सब जगह पढ़ाया जाने वाला है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आज जो इंजीनियरिंग के जो वैज्ञानिक छात्र भी हैं, ये बात चल रही है कि उनको भी सेल बायोलॉजी पढ़ाई जाए, क्योंकि सेल एक ऐसी मशीनरी है जिसे कि सबसे अच्छा आर्किटेक्चर माना जाता है। इसलिए इसके बारे में जानना, ये कैसे काम करता है, इसमें कितनी विविधताएं हैं, लेकिन बेसिक जो सेल का आर्किटेक्चर है, वो चाहे पेड़ हो, वो चाहे मनुष्य हो, वो चाहे बैक्टीरिया हो, वो कोई भी हो, उनका बेसिक आर्किटेक्चर सेम है। तो आज हम इसके बारे में क्लास में ये बात करेंगे कि कैसे ये विषय शुरू हुआ, इसमें सेल्स क्या चीज़ होती हैं, कैसे सेल्स कंबाइन करके काम करती हैं और काम करने में ये किस किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेल्स जो होती हैं, ये सबको पता है कि दो प्रकार की होती हैं, जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन सबसे पहले ये शुरू कहाँ से हुआ? तो एक सज्जन थे जिनको जिज्ञासा हुई कि ये पेड़ किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। उस समय पे पढ़ने के लिए कुछ खास होता नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ एक लेंस से देखना शुरू किया कि इसके अंदर क्या दिख रहा है। और जब उन्होंने देखना शुरू किया तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब थे, जिन्होंने लगभग 1635 में वो लोग जन्मे थे, तो उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसमें कि उन्होंने ऐसे कुछ फोटोग्राफ लिए थे छोटे छोटे। तो जब उन्होंने ये पेड़ के सेक्शंस काट के देखने शुरू किए, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था अपने हाथ से और इसमें उनको खाने खाने दिखाई देते थे छोटे छोटे। और ये जो सेक्शन थे, ये एक पेड़ की छाल जिसको कॉर्क बोलते हैं, उसके सेक्शंस थे। और उन्होंने ही सबसे पहले ये शब्द दिया था सेल, जिसको उन्होंने इस एक खाने को बोला सेल, वहां से ये शब्द की शुरू हुई सेल और सेल बायोलॉजी की। इसके बाद धीरे 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 माइक्रोस्कोपी बढ़ती गई और जब माइक्रोस्कोप बनने शुरू हुए तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ ये देख के कि कुछ चीज होती है जैसे बैक्टीरिया बोलते हैं। हम सोचते थे कि जो बड़े बड़े दिखाई देने वाले लोग हैं यही जीव होते हैं, लेकिन लगभग 1674 में बैक्टीरिया ढूंढा गया कि बैक्टीरिया कुछ चीज होता है। और लगभग उसके 4 साल बाद एक सिंगल सेल प्राणी प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोआ क्लास है, उसकी खोज शुरू हुई। जितने भी लोगों ने ये पढ़ाई करी, उन्होंने एक सेल थ्योरी के बारे में बताया, उसमें शेल्डन सबसे पहले थे। उन्होंने बोला जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद श्वान साहब थे, उन्होंने बोला कि अरे एनिमल में भी सेल होते हैं। उसके बाद एक सज्जन और थे विचार साहब, उन्होंने कहा कि भैया सेल जो है वो पहले वाले सेल से ही आएंगे, वो नया कुछ बनता नहीं है। और ये सब मिलके बने सेल थ्योरी, इस सबसे मिलके आई सेल थ्योरी कि जो भी चीज बनती है
वो सेल से बनती है और सेल पिछले सेल से ही आते हैं, सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो अगेन द सेम थिंग, इन्होंने कैसे कैसे वो किया, और जो सेल थ्योरी आई कि जितने भी रहने वाले प्राणी हैं ये सब सेल से बने हुए हैं, और जो बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर और फंक्शन की है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो सेल ही होती है, और नए सेल हमेशा अब पुराने सेल से ही बनते हैं। ये बेसिक सेल थ्योरी है। अब जो सेल्स हैं, हर एक सेल एक स्पेशलाइज्ड काम करता है। जैसे कि जो रेड ब्लड सेल होता है, जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है। हमारी मसल सेल होती है, मसल सेल टेंसाइल स्ट्रेंथ को देता है। जो भी हमारी मूवमेंट होती है, हाथों की पैरों की, जो हम हिल पाते हैं, वो मसल सेल्स की वजह से हिल पाते हैं। और पेड़ पौधे में एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक स्पेशलाइज सेल है। तो सेल किसी कई सारे फॉर्म्स में होती हैं और ये स्पेशलाइज काम करती हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, सेल का बेसिक यूनिट सबसे पहले एक सेल होता है, एक कोशिका, और काफी सारी कोशिकाएं मिलके, जब वो मिलके काम करती हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और ये जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स को, और ऑर्गन बनाते हैं एक सिस्टम को, और कई सारे सिस्टम होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। ये बेसिक फंडामेंटल है सेल बायोलॉजी का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, एनीथिंग। उसका बेसिक यूनिट सेल होगा, कई सारे सेल कंबाइन करके टिश्यू को बनाएंगे, टिश्यूज ऑर्गन्स को बनाएंगे, ऑर्गन्स कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। अब इससे फायदा क्या है कि एक सेल है, वहां से शुरू कर रहे हैं। तो एक सेल जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो सेल होता है वो एक स्पेशलाइज्ड काम करता है। उसके बाद कई सारे न्यूरॉन मिलके एक टिश्यू को बनाते हैं, तो कई सारे सेल्स का सिमिलर फंक्शन है। काफी सारे न्यूरॉन्स केवल मैसेज को पास करने में ही काम आएंगे, तो वो एक टिश्यू हो गया। और ये कई सारे न्यूरॉन्स, कई तरह के न्यूरॉन्स एक जो ब्रेन में होते हैं, ये कई सारी चीजों को मिलकर एक ब्रेन ऑर्गन बनाएंगे जो कि पूरा ब्रेन है। और ये जो ब्रेन फंक्शन करेगा, ऑर्गन सिस्टम, इस सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक सेल स्पेशलाइज कर करके मिल मिलके एक सिस्टम को पूरा बनाते हैं। अब जो ये सेल होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक मतलब हायर वर्जन्स। एक बहुत ही इनका जो वेल नोन डिफरेंशिएशन है वो है कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोट्स के अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, या उसमें कई सारे और काम करने वाले अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसे कुछ नहीं होता है। प्रोकैरियोट का राइबोसोम जो होता है उसको छोटा माना जाता है, विच इज कॉल्ड एज 60S, 70S, और यूकैरियोट्स में ये 80S होता है। सेल के साइज में फर्क होता है, और यूकैरियोट्स की जो क्लास है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल किंगडम, ये सारी की सारी चीजें जो है वो यूकैरियोट्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स सिंगल सेल नहीं हो सकता है। अमीबा, पैरामीजियम, ये सब सिंगल सेल हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो ये एक जस्ट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, और ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमें काफी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये काफी सारी जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स का, जैसे मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया और से बना हुआ होता है। बैक्टीरिया का एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, बाहर से उसका एक कोट होता है, अंदर डीएनए फैला हुआ होता है, एक न्यूक्लियस क्योंकि इसमें नहीं होता है, फिर इसमें राइबोसोम, इसमें फ्लैजेलस होते हैं। तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल अगेन, इसमें कई सारे हमको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गॉल्जी अपैरेटस, ये सब प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं। अब ये हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। राइबोसोम में थोड़ा फर्क है प्रोकैरियोट्स और इसमें। प्रोकैरियोट्स में ये 70S होता है और यूकैरियोट्स में ये 80S होता है। ऑर्गेनेल्स कई सारे यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट का साइज थोड़ा छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा बड़ा होता है। प्रोकैरियोट की जो श्रेणी में है वो केवल बैक्टीरियाज आते हैं, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, ये सब आते हैं। स्केच है बैक्टीरिया और
अब दोनों ये सेल्स तो अलग हैं, लेकिन इनमें कई चीज कॉमन भी होती हैं। जैसे दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों में ही साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड को बोलते हैं जिस जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है। दोनों ही सेल टाइप्स में राइबोसोम्स होते हैं और दोनों ही सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल होता है। तो आर्किटेक्चर जो सेल का है वो बेसिकली सेम है। ये यूकेरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है जिसमें कि बाहर से इसमें साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सा मटेरियल होता है जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है। न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि सूरज की किरणों को पकड़ के उससे केमिकल एनर्जी बनाता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से सुनते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें ग्रीन पिगमेंट भी होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट हमें हरे दिखाई देते हैं। प्लांट्स में एक बड़ा सा खाली स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल। और वैक्यूल एक खाली जगह है जिसमें कि पानी, सॉल्ट और खाना इत्यादि रखा जाता है। ये प्लांट का स्टोर हाउस है। फिर हमारे पास राइबोसोम होता है। ये प्लांट और एनिमल में दोनों होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम अक्सर पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी सेल को एनर्जी चाहिए, जो भी चाहिए, वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। और ये लगभग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है यूकेरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है। यही वो जगह है जहाँ पे कि जो हम ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं यहीं पे जाके ऑक्सीजन जाती है। इसीलिए हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और सेल के बाहर से एक कवर होता है। वो सेल एक खाली नहीं है। और जो ये बाहर का कवर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका एक निश्चित इसको एक ऐसी चीज से बनाया गया है। लेकिन ये जो कवर है ये हर चीज को अंदर बाहर नहीं आने देता है। ये रेगुलेट करता है। कुछ चीजों को ये जाने देगा, कुछ चीजों को ये नहीं जाने देगा। तो सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव फिल्टर है बेसिकली सेल का, जो किसी चीज को जाने देगा, किसी चीज को नहीं जाने देगा। और कई सेल्स में जैसे प्लांट सेल्स हैं, इसमें बाहर से सपोर्ट के लिए एक हार्डन लेयर होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल की वजह से ये सेल जल्दी से पिचकता नहीं है। अगर ये काफ़ी प्रेशर झेल सकता है, जैसे आपने पेड़ देखा होगा, अगर आप उसको मोड़ने की कोशिश करें तो वो मुड़ेगा नहीं जल्दी से। वो इसलिए नहीं मुड़ेगा क्योंकि वो हर एक सेल के बाहर से सेल वॉल लगी हुई है और वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। ये बेसिकली पार्ट ऑफ द सेल्स हैं। प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी दोनों ही यूकेरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन इन दोनों में भी आपस में फर्क है। इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज हैं वो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में ही होता है जिसकी वजह से प्लांट्स हमको हरे दिखाई देते हैं। एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेल है जो कि दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। इसके बाद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस वो जगह है जहां पे जेनेटिक मैटर स्टोर होता है और जेनेटिक मैटर डीएनए के फॉर्म में होता है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे डीएनए के बारे में, बट ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस दोनों सेल्स में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ये जो बाहर का जो इसका कवर है न्यूक्लियस का, ये जो कवर है वो सेल मेम्ब्रेन का ही बना हुआ होता है। ये सेल में एक गेंद सा स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है और उसके अंदर डीएनए स्टोर होता है। लाइजोसोम एक जगह होती है सेल में, एक ऑर्गेनेल होता है जिसमें कि डिग्रेडेशन का काम होता है। वो जो भी खराब चीज आ रही होती है उसको वो तोड़ वोड़ के उसको साफ ऑफ करेगा। वो केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में लाइजोसोम नहीं होता है। और लाइजोसोम में बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को या जो भी बाहर से चीज आ रही है उनको तोड़ने में मदद करते हैं। वैक्यूल केवल एनिमल प्लांट सेल में ही होता है। और वैक्यूल स्टोरेज हाउस है वाटर का, सॉल्ट्स का, एक्सेट्रा का। और इसका साइज काफी बड़ा होता है। सेल के प्लांट सेल का लगभग 1/3 से 2/3 हिस्सा वैक्यूल कवर कर सकता है, इतना बड़ा तक वैक्यूल होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट सेल के लिए। एक ऑर्गेनेल होता है गॉल्जी बॉडीज, इसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, जीसीस बोलते हैं शॉर्ट में।
ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये दोनों ही एनिमल सेल और प्लांट सेल में होता है, और इसका काम होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके प्रोटीन्स को निश्चित जगह पे भेजता है। बेसिकली ये जैसे बस अड्डा होता है, ISBT है, ट्रेन स्टेशन होता है जहाँ से अलग अलग लोकेशन पे लोग जाते हैं, वैसे ही गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से अलग अलग लोकेशन में प्रोटीन्स को भेजा जाता है। और दोनों में ही राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। जो सेल वॉल होती है ये केवल प्लांट सेल में होती है और जो उसको हार्डनिंग या स्ट्रक्चर को बनाती है। अब ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि इतनी विभिन्नता है देखने में, पेड़ अलग दिखता है, चूहा अलग दिखता है, फूल अलग दिखता है, और हर एक चीज बिल्कुल अलग दिखती है ये दिखने में। लेकिन अगर इनको हम जब देखना शुरू करते हैं कि ये बने हुए किस चीज के हैं, तो ये बने हुए सब एक ही चीज के हैं। सबसे हैरत करने वाली बात यही थी लोगों को देखने में कि ये बने हुए एक ही चीज के हैं। अब इसमें एक और खास बात है कि जितने भी सेल्स हैं इसमें सब में जो स्टोरेज है इंफॉर्मेशन की, जो हमें जेनेटिक मैटर बोलते हैं, वो DNA ही करता है। किसी किसी में RNA भी होता है, और सारी चीजों में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनीथिंग, हाथी घोड़ा जितने लोग हैं, सब में DNA का स्ट्रक्चर यही है। DNA के स्ट्रक्चर में तीन भाग होते हैं। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, G(CA)T। और ये जो तीन चीजें हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। सो दिस इज द फर्स्ट डिजाइन पार्ट। जैसे भी लाइफ की उत्पत्ति हुई ये हम नहीं जानते कैसे हुई, कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए सब में यही तीन काम करते हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक फॉस्फेट लगा हुआ होता है, एक बेस होता है, AGCTU जो बेसेस होते हैं, और ये सब मिलके शुगर, फॉस्फेट और बेस मिलके न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं कई सारे जो कि DNA को बनाते हैं। अब आप ये इमेजिन कर लिए कि चूहे में भी यही है, बिल्ली में भी यही है, अर्थवर्म में भी यही है, शेर में भी यही है, ह्यूमंस में भी यही है, बैक्टीरिया में भी यही है, लेकिन हम सब अलग अलग दिखते हैं। इवन ह्यूमंस में भी दो ह्यूमंस एक जैसे नहीं दिखते, केवल ट्विंस ही एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन सब में फंडामेंटल आर्किटेक्चर यही है। ये आर्किटेक्चर होने के बाद भी देखिए, आप जो क्लासेस डिफाइंड हैं, एक बैक्टीरियाज हैं, आर्च बैक्टीरियाज हैं एंड यूकेरियोट्स हैं, ये सारे के सारे फंडामेंटल डिजाइन इज अगेन द सेम। वी कम टू सेल, इन सब के लिए सेल एक कॉमन चीज है। ये एक सेम डायग्राम है जो हमने इसका एक आपको अलग तरह से थोड़ा दिखाया हुआ है कि एक यूकेरियोटिक सेल में इतनी सारी चीजें होती हैं, और इसमें एक खास बात ये बताने के लिए है कि पर सेकेंड एक सेल के अंदर 3 बिलियन रिएक्शंस होती हैं पर सेकेंड। तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये सब चीजें सिंक्रोनाइजेशन में काम करती हैं। ये सेल इतना छोटा है कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर 3 बिलियन रिएक्शंस पर सेकेंड के हिसाब से इतनी रिएक्शंस इसमें होती हैं जो कि सिंक्रोनाइज हैं। सो आप इसको सोच सकते हैं कि एक सेल के अंदर कितनी सारी चीजें एक समय पर हो रही होती हैं। और ये एक बैक्टीरिया का सेल है जिसमें कि बाहर से कैप्सूल होता है, अंदर से बीच में इसमें साइटोप्लाज्म होता है। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो जो इसका जेनेटिक मैटर होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ये फैला हुआ होता है, और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी इसमें होता है एंड राइबोसोम्स भी होता है। इसके टेल जैसी हिलने के लिए इसके फ्लैजलास होते हैं। तो ये आज हम सेल्स के बारे में बताए। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या एनीथिंग हो तो वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस। थैंक यू।